नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रश्मि मिगलानी और आप सबका इंडिया न्यूज के फैमिली गुरु में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों की। कभी आपने रियलाइज किया है, जब हम किसी फंक्शन पर जाते हैं, किसी पार्टी पर जाते हैं, किसी गेट टुगेदर पर जाते हैं, हमारा डिस्कशन क्या होता है बच्चों के? हमारा डिस्कशन किससे रिलेटेड होता है? डिस्कशन हमारा होता है सिर्फ बच्चों पर। बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे गुस्से में रहते हैं, बच्चे बात नहीं करते। इसके पीछे रूट कॉज कभी आपने एनालाइज किया है? कभी सोचा है कि इसकी रूट कॉज की प्रॉब्लम कहीं हम खुद ही तो नहीं? तो चलिए देखते हैं आज कि क्या इसके पीछे रूट कॉज है और इसको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या सोल्यूशन है। आजकल सपोज बच्चे जैसे देखा गया है बड़े हो गए हैं, इन्होंने कोविड टाइम में 2 साल कैसे निकाले लैपटॉप पे, मोबाइल पे क्लासेस करते करते, तो इनका इंटरैक्शन मोबाइल से बहुत ज़्यादा हो गया है, लैपटॉप से बहुत ज़्यादा हो गया है, सोशल नेटवर्किंग कम हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से थोड़ा सा डिस्कशन, थोड़ा सा इंटरैक्शन कम हो गया है। और हम पेरेंट्स की अगर बात करें तो हमारा इंटरैक्शन कैसा है? हम ऑफिस में लैपटॉप पे काम करते हैं, हम घर आके भी लैपटॉप पे काम करते हैं, और बच्चे हमसे अगर कुछ पूछते हैं तो हम क्या कहते हैं? फादर से सपोज बच्चे ने कुछ पूछा, बेटे मम्मा से जाके पूछ लो, मम्मा क्या कहती हैं? बेटे 5 मिनट में बताती हूँ, और वो 5 मिनट कभी ख़त्म होते ही नहीं हैं। यही अगर बात अगर हम बच्चे के साथ आप बोलें, सपोज बच्चा मोबाइल पे कुछ काम कर रहा है अपना, आपने बोला, या गेम भी खेल रहा है, आपने बोला बेटे मुझे 5 मिनट में मोबाइल वापस चाहिए, आपको लगता है वो बच्चा आपको 5 मिनट में मोबाइल वापस देगा? वो क्या सोचेगा उसके माइंड में, मेरी मम्मा के 5 मिनट तो अभी ख़त्म ही नहीं हुए, मैं क्यों ख़त्म कर दूँ इतनी जल्दी। सिमिलरली अगर फादर ने कोई आपको काम, फादर के पास आप बच्चा गया और फादर ने जवाब पास ऑन कर दिया मदर को, और अगर आप अपने बच्चे को कुछ काम बोलेंगे, क्या वो नहीं बोलेगा मम्मा ये काम दीदी को बोल दो, वो भी तो कर सकती है ना। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए एज अ पेरेंट। जो काम आपके पास आया है, जो बच्चा आपके पास आया है, किसी फेथ के साथ आया है, उसे विश्वास है मुझे यहाँ पे आंसर मिलेगा और करेक्ट आंसर मिलेगा, मेरे फादर मदर मेरे गाइड हैं, ये मुझे ठीक से गाइड करेंगे, मुझे मिस गाइड नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर आपको बोला गया है आप फ्री नहीं हैं, आपके पास 5 मिनट, आपको लगता है कि नहीं है 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद आप बच्चे की हेल्प कर सकते हैं, 15 मिनट बात कर सकते हैं, आधे घंटे बात कर सकते हैं, बी स्पेसिफिक। आपको लगता है अगर आधा घंटा तो बोलिए आधा घंटा, आपको लगता है 2 घंटे तो बोलिए 2 घंटे, आपके पास आज टाइम नहीं है तो बोलिए मैं कल आंसर करूँगा, बट बी ट्रू टू योर कमिटमेंट। आपने जो बच्चे से कहा है उस पर ध्यान रखिए, उस पर अमल कीजिए, और देखिए फिर जो जितने सारे आपके डिस्टेंस हैं, जितने ज़्यादा आपका इतना गैप आ गया है पेरेंट और चाइल्ड में, जो बच्चे सुनते नहीं हैं वो कैसे पेरेंट्स की बात एकदम से सुनने लगते हैं। बच्चों से एक ऐसे एटमॉस्फेयर क्रिएट कीजिए, एक डिस्कशन रखिए बच्चों के साथ, एक मे बी डिनर के बाद या डिनर से पहले एक 15 मिनट 20 मिनट का एक स्लॉट रखिए, जिसमें आप अपने बारे में बताइए, बच्चों की बात सुनिए, अपने एक्सपीरियंसेस पास्ट के शेयर कीजिए, हम तो अच्छा ऐसे करते थे, आप लोग ऐसे करते हो, वाओ यू गाइस हैव बिकम रियली इंटेलिजेंट, हम तो बुद्धू होते थे। तो इस तरह से अगर मैसेज आप कन्वे करेंगे बच्चों का मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होगा, बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, बच्चों का फेथ डिवेलप होगा, बच्चे ट्रस्ट करेंगे आप पे, बच्चे जानेंगे कि क्या सही रास्ता है और क्या गलत रास्ता है। अगर आप उन्हें बताएंगे ये गलत है ये सही है, वो कभी नहीं सुनेंगे आपकी बात। अगर आप उनको बताएंगे दिस हैपेंड इन माई लाइफ दैट टाइम, आई डिड दैट मिस्टेक एंड द रिजल्ट ऑफ द सेम वॉज दिस, तो बच्चे उस रिजल्ट को, उस कॉन्सिक्वेंस को याद रखेंगे। सो प्लीज रिमेंबर दैट वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर यू आर टॉकिंग, वट एवर यू आर सेइंग टू योर चिल्ड्रन, यू आर अंडर सर्वेलेंस 24 आवर्स बाय योर चिल्ड्रन। बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, हम सोचते हैं हम पेरेंट्स स्मार्ट हैं, बट बच्चे हमारे हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। तो ये चीज़ें हमें कुछ कुछ छोटी छोटी ध्यान में रखनी है। दूसरा हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो ध्यान में रखना है, हमने अपने बच्चों को टैग नहीं करना, हमें नहीं कहना कि आप बहुत डीट हो, आप बहुत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो, आप कोई बात ही नहीं सुनते हो, आप हमेशा से ही ऐसे थे, पता नहीं क्यों मैं ही पॉजिटिव होप लगा के बैठी थी कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। वी डोंट हैव टू टैग आवर चिल्ड्रन। टैगिंग से क्या कर रहे हैं आप, वो वाइब्रेशंस उन बच्चे में इम्बाइब कर रहे हैं। जब हम वाइब्रेशंस इम्बाइब कर रहे हैं,
हम एक ऑरा क्रिएट कर रहे हैं बच्चे के आसपास कि उसमें वो चीजें सारी भर जाएं। अगर हम पॉजिटिविटी डालेंगे तो बच्चा हमारा पॉजिटिव अप्रोच लेके आगे आएगा, अगर हम नेगेटिविटी डालेंगे तो नेगेटिविटी ऑफ कोर्स। सो ये चीजें कुछ हैं जो हमें ऑब्जर्व करनी है। उसके बाद अब स्पेंड टाइम बच्चों के साथ कर रहे हैं तो क्वालिटेटिव टाइम स्पेंड करना, ये नहीं कि बच्चे बैठे हैं और आप अपना मोबाइल पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। एज आई सेड अर्लियर, यू आर अंडर 24 आवर सर्वेलेंस। तो ये तो थी एक जनरल डिस्कशन जो हमें बात करनी है, जो हमें बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं, हम पेरेंट्स को क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। अब कुछ बच्चों के लिए हम बातें बात कर लें, बच्चों के लिए हमें क्या बातें ध्यान में रखनी है ताकि बच्चे हमारी बात सुने, हमारा कहना माने। हम ये ना कह सकें कि बच्चे अपनी दुनिया में बग रहते हैं, हमसे बात ही नहीं करते। सो इन सारी प्रॉब्लम्स को रूल आउट करने के लिए कुछ छोटे छोटे मेजर्स हैं जो आप ध्यान में रखेंगे तो आपका और आपके बच्चे का कम्युनिकेशन बहुत बढ़ जाएगा और एक हेल्दी रिलेशनशिप हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम एक हनुमान जी की, जो हमारे मार्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हनुमान जी मार्स प्लैनेट को, आपने क्या करना है, हो सके तो डेली बच्चे को मंदिर लेके जाइए और हनुमान जी के लेफ्ट और राइट फीट को टच करा के उनके इस फिंगर से, रिंग फिंगर से तिलक लगा के बच्चे के फोरहेड पे तिलक करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है या किसी और वजह से मंदिर डेली जाना पॉसिबल नहीं है तो आप मंदिर से वो टीका थोड़ा सा एक पेपर में ला सकते हैं और डेली बच्चे के फोरहेड पे तिलक कीजिए और देखिए ग्रेजुअली कैसे बच्चा आपकी सुनने लगता है, आपकी बात मानने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है, बच्चे को जितनी ज़्यादा हो सके ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाइए और साबुदाना खिलाइए। इससे बच्चे के बिहेवियर में शांति आएगी, बच्चे की अग्रेशन कम होगा। आई रिमेम्बर व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड माई दादी जी यूज टू से जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। सो मीन्स वट एवर यू विल टेक, वट एवर यू विल कंज्यूम, वट एवर यू विल ईट, द सेम पर्सनैलिटी यू आर गोइंग टू डिवेलप। इफ यू आर गोइंग टू ईट हेल्दी यू विल डिवेलप अ हेल्दी एटीट्यूड, अ हेल्दी पर्सनैलिटी। इफ यू विल ईट जंक यू विल प्रोड्यूस जंक, यू विल पोर्ट्रे योर सेल्फ एज जंक। सो ये दो चीजें से पॉइंट मैंने अभी डिस्कस किए हैं आपको। थर्ड पॉइंट है बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, बच्चे को थोड़ा शांत रखने के लिए, आपकी आज्ञा मानने के लिए हमें एक क्या करना है, कॉपर की या तो एक कड़ा या बैंगल या एक रिंग बच्चे के राइट हैंड में पहना दीजिए। संडे के दिन ये पहनाना है और इससे बच्चे जो अग्रेशन है बच्चे का काफी शांत हो जाएगा, बच्चे आपकी बात सुनने लगेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने बच्चे को सिल्वर डिप्ड वाटर पिलाना है। वो क्या करना है, आपने कोई भी एक सिल्वर की चीज ले लीजिए, पानी में उसको डिप करके कुछ घंटों तक रखिए और उस पानी को बच्चे को पिलाइए हमेशा, चाहे वो सुबह है दोपहर है या शाम को। जितना बच्चा सिल्वर डिप पानी का कंजम्पशन कंज्यूम करेगा उतना ज़्यादा बच्चा माइंड बैलेंस्ड रहेगा, काम रहेगा, वो अग्रेसिव नहीं होगा, आपकी बात सुनेगा। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो बात करेंगे, द फिफ्थ रेमेडी की बात करेंगे, अपने घर में सैंडलवुड का फ्रेग्रेंस यूज कीजिए। सैंडलवुड क्या करता है, आपके माइंड को अलाइन करता है, आपके माइंड को फोकस्ड करता है। जब आपका माइंड अलाइन होगा, आपका फोकस्ड होगा, आपको मालूम है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। वो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो आपका खाली दिमाग नहीं बैठेगा, खाली दिमाग नहीं रहेगा कभी। एवरी टाइम यू विल हैव अ प्रायोरिटी, एक चेकलिस्ट होगी, मुझे इस समय ये करना है, इस समय ये करना है, एंड इन टाइम बच्चे का टाइम मैनेजमेंट बनेगा। बच्चे को मालूम होगा कि मुझे इस समय खाना खाना है, इस समय पढ़ाई करनी है, इस समय खेलना है। एक रूटीन सेट हो जाएगा बच्चे का, एक जो पूरा सिस्टम है, पूरा टाइम टेबल है, वो अलाइन हो जाएगा और इससे ना जस्ट बच्चे आपके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करेंगे बल्कि एक फोकस्ड माइंड के साथ आगे हम बढ़ते रहेंगे और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे अपनी लाइफ में। और आई होप माई ब्लेसिंग्स आर विद यू ऑल बाई डूइंग दिस सिंपल रेमेडीज। आप लोग हमेशा खुश रहें और एक हेल्दी रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ बिताते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू इंडिया।